दो ही कंपनी का सर, दो ही कंपनी का है, एक दो कंपनी तो ऐसी बात है। एक ही देख कौन सी का जरा है भारतीय का स्पेशल प्लेयर पेड़ी का, हाँ कंट्रैक्ट कौन है कबीर, एक दो ने तो जा देता सर। अरे परसेंट ना सर की शाम तो बाद ही होगी सर, पहले पहले डिपॉजिट पे ही देना, पहले पे ही देखो जी साढ़े कुछ ऑनगोइंग प्रोजैक्ट्स ने PWD के PSPCL के, असी उन्होंने जायजा लैन वास्ते आए हैं कि की कारण ने जिन्ना करके वो प्रोजैक्ट अज तक पूरे नहीं हो पाए। सो जिथे जिथे भी कोई ना कोई कमी पेशी होएगी, कोई किसी लैवल से कई बार नोडल अफसर नियुक्त करने पेंदे ने, क्योंकि जदों रोड्स बनदियां ने कोई फॉरेस्ट के इशू आ जाते हैं, कोई इरीगेशन के इशू आते हैं, कोई PSPCL के इशू आ जाते हैं। सो असी चाहते हैं कि सारिया जड़िया हर्डल्स ने इन्हां नू खत्म करके ते कोई नोडल ऑफिसर कोई नियुक्त करके इन्हां दी जल्दी कंप्लीशन करके ते लोगों नू समर्पित कर दिते जाए। काफ़ी ने प्रोजैक्ट्स, लगभग 200 किलोमीटर तो वध दीआं रोड्स ने जिहड़ियां वर्क इन प्रोग्रेस आ, पर वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। सो अज उन्हों का पूरी का जायजा लवेंगे, अधिकारी साहबान नाल मीटिंग करांगे। सो जिथे जिथे भी कोई मुश्किल आएगी उन्हों सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। मंत्री जी अगले हफ्ते सफल होगी, बिजाई शुरू हो रही है, तो जो गल करिए पंजाब की, तो लास्ट टाइम की जो गल करिए तो काफ़ी बिजली की प्रॉब्लम आई हैगी, ट्रांसफार्मर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, खराब हो गई देखो। पैडी सीजन जिहड़ा आलमोस्ट शुरू होने वाला है, असी अपने पुख्ता प्रबंध जिहड़े ने वो किए हुए ने। साढ़े कोल इस वारी पिछले भी मई के ज़्यादा आ गई सी मुश्किल, सो फिर भी असी वध बिजली जिहड़ी आ प्रोवाइड की है। साढ़े थर्मल जिहड़े ने प्लांट्स जां हाइडल ने जिहड़े, असी उन्हां ते पूरी उन्हां नूं वर्किंग पोजिशन दे विच लियावांगे। इस वारी असी बैंकिंग भी की हुई है बिजली की, सो असी जिहड़ी PSTCL उहदे राहीं असी ट्रांसमिशन की कपैसिटी भी काफ़ी वधाई हुई है। सो असी आने वाले पैडी सीजन के किसी भी तरह की बिजली की जिहड़ी दिक्कत आ वो नहीं आउंदी। कमी काफ़ी आ रही है जी? नहीं कोई नहीं, असी कोई नहीं कोले की कमी सी, पर असी अपने जिन्ना क रिक्वायरमेंट आ वो असी अपनी पूरी की हुई है। ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਟਿਊਬਲ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, देखो देखो असी जे कोई सिक्योरिटी प्रवाई गई सी तो असी उन्हों एग्जामिन जरूर करांगे। बाकी साडा मेन जड़ा मान साहब की सरकार का, असी धरती हेठला पानी जड़ा उन्हों बचाउण दी पूरी जड़ी आ कोशिश दे विच लगे हुए हैं। इस करके ही असी DSR जड़ी डायरैक्ट सोइंग ऑफ राइस सीगा उन्हों भी प्रमोट किया, 1500 रुपया प्रति एकड़ का उन्होंने एक्सट्रा देने की भी किसानों नूं गल की। होर भी असी बड़े मूंगी दे उत्ते MSP जड़ी आ वो लागू करवाई। सो साडा मेन जड़ा हैगा कि असी किसान नूं बचाउणा, अपना जड़ी आ धरती हेठला पानी भी बचाउणा ते अपनी फसल भी बचाउणी है। इस करके असी उहदे वास्ते पूरा बैलेंसड जड़ा आ
ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ MSP ਹਰੇਕ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪੈਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ।